हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं ये लेके आई हूँ बहुत ही सुंदर, प्यारा और इजी पैटर्न, जिसे भी उल्टी सीधी सिलाई बनानी आती है बड़े ही आराम से इस पैटर्न को बना सकता है। और ये बनता भी बहुत ठीक है, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में हम डाल सकते हैं और जेंट्स और लेडीज़ के किसी भी प्रोजेक्ट में। और ये कैप तो इसकी बनाएं तो बहुत ही वार्म रहेगी, और स्टॉल भी हम इससे ब्लैंकेट भी बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस पैटर्न को कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न के लिए हमने जो स्टिचेस डालने हैं वो हमें मल्टीपल ऑफ 8 डालने हैं, और मैंने यहाँ पर 24 स्टिचेस डाले हैं, 8 3 24। और ये जो पैटर्न है ये 8 रोज़ का पैटर्न है। तो इसकी फर्स्ट रो राइट साइड से, तो इस रो को हमने पूरा उल्टा बनाना है, पर्ल ऑल इस तरह से थ्रेड आगे ला करके ये सारे फंदे सीधी साइड से रो 1 पूरी उल्टी बनाएंगे। ये रो हम पूरी उल्टी बना लेंगे, और उसके बाद हमारी रॉन्ग साइड सेकंड रो ये पूरी सीधी, निट ऑल पूरे स्टिचेस सीधे डालेंगे। तो ये हमारी है सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब है राइट साइड थर्ड रो, और थर्ड रो में हमने क्या करना है, पहले 3 फंदे सीधे, निट 3, और इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। तो पहले हम थ्रेड को आगे लेके आएंगे अपनी ओर, और 2 फंदों को स्लिप करेंगे, फिर थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और 6 फंदे सीधे, स्लिप 2, निट 6। तो ये यहाँ से हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, स्लिप 2, निट 6। अब इसके बाद फिर थ्रेड को आगे लाएंगे और इस तरह से स्लिप करेंगे, और फिर थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे और 1 2 3 4 5 6, 6 फंदे सीधे, और उसके बाद फिर थ्रेड आगे लाएंगे, स्लिप 2, और थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे, ये 3 फंदे जो बचे हमारे पास, 3 फंदे सीधे, स्लिप 2, निट 3। अब हमारी फोर्थ रो रॉन्ग साइड, तो ये जो फंदे 3 फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं, इन्हें उल्टा ही बनाएंगे, और उसके बाद जो हमने पहले स्लिप किए थे, आप थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे और 2 फंदे स्लिप कर लेंगे, ये वाले इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद थ्रेड आगे लाएंगे और वो फंदे जो उधर से हमने सीधे डाले थे, इधर से 6 फंदे उल्टे डाल लेंगे। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, अब ये फंदे हमारे आगे जो हमने स्लिप किए, तो थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, फिर 6 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 और 6, और फिर थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये वाले 2 फंदे स्लिप करेंगे, और लास्ट वाले 3 फंदे उल्टे। अब है हमारी रो नंबर 5 राइट साइड, तो जैसे हमने रो नंबर 3 डाली थी, सेम हम डालेंगे निट 3। अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है, थ्रेड आगे लाएंगे, ये 2 फंदे जो स्लिप किए थे अब भी स्लिप करेंगे, और जब भी हमने स्लिप करने हैं राइट रॉन्ग साइड दोनों तरफ से, थ्रेड जो हमारा है वो राइट साइड ही कर रखना है। तो उसके बाद थ्रेड इधर लेके जाएंगे और ये 1 2 3 4 5
सिक्स स्टिचेस, नीट सिक्स, पर्ल स्लिप टू, नीट सिक्स, अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे और थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, नीट सिक्स, टू थ्री फोर फाइव सिक्स। अब थ्रेड आगे लाएंगे, दो फंदे स्लिप करेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, ये तीन फंदे जो रह गए इन्हें हम सीधा बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड रो नंबर सिक्स, ये हमारी रो नंबर फोर की तरह ही बनेंगी, पर थ्री। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और ये स्लिप टू, अगेन थ्रेड आगे, पर्ल सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और ये दो फंदे स्लिप कर देंगे, थ्रेड आगे, पर्ल सिक्स, ये सिक्स फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और ये दोनों स्लिप किए हुए फंदों को फिर स्लिप कर लेंगे और थ्रेड आगे, पर्ल थ्री। रो नंबर सेवन राइट साइड, ये भी हम सेम ही बनाएंगे, नीट थ्री, उसके बाद थ्रेड अपनी ओर करेंगे, टू फंदे ये स्लिप कर लेंगे, थ्रेड पीछे, नीट सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्रेड आगे लाएंगे और स्लिप टू, थ्रेड पीछे, नीट सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्रेड आगे, स्लिप टू, थ्रेड पीछे, नीट थ्री, वन टू थ्री। रो एट रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल, इस लाई सारे फंदे हम उल्टे बनाएंगे, देखिए पर्ल ऑल द स्टिचेस, ये फंदे उल्टे और जो हमने स्लिप किए थे ये फंदे भी हम उल्टे बना लेंगे। हमारी एट्थ रो रॉन्ग साइड से, और ये एट रोज का पैटर्न है, तो ये पैटर्न इस तरह से बनता है। अब इसके बाद फिर फर्स्ट रो बनाएंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस एंड रॉन्ग साइड से भी पर्ल ऑल द स्टिचेस, और इस तरह हमारा सेकंड पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो ये पैटर्न बन करके बहुत ही सुंदर लगता है। ओके बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।